खबर यूपी के बलिया से है। कटरिया गांव में जल निगम द्वारा आरओ प्लांट के लिए काश्तकारों से भूमि अधिग्रहण को लेकर विरोध जारी है। पीड़ितों ने उच्च अधिकारियों को पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि बिना रजिस्ट्री कराए ही जमीन पर जबरन बार बार जेसीबी से कार्य करने के लिए पहुंचा जा रहा है और विरोध करने पर जेसीबी लेकर चले जा रहे हैं। पीड़ित काश्तकारों ने बलिया जिलाधिकारी समेत कई उच्च अधिकारियों को पत्र देकर बताया कि हमारे ग्राम सभा कटरिया गांव में जल निगम द्वारा आरओ का प्लांट लगाया जा रहा है, उसमें हम लोग अपनी जमीन को मकान बनाने के लिए सुरक्षित रखे हैं। कोई भी काश्तकार 200 एकड़ से अधिक के काश्तकार नहीं है और प्लांट लगाने से लगभग 50 किसानों का जमीन अधिग्रहण हो रहा है, जिसमें हम प्रार्थीगण अपनी जमीन को मकान बनाने के लिए सुरक्षित रखे हैं। इस भूमि से हमारे परिवार की जीविका है और हम लोग छोटे काश्तकार हैं, जिसको लेकर पीड़ितों ने भूमि अधिग्रहण रोकने के लिए कई अधिकारियों को पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। बलिया से प्रभुनाथ सिंह की रिपोर्ट। देवराज भरग्राम सभा कटरिया। यह है कि हमारी जमीन आरओ प्लांट बनाने के लिए जमीन दबाव के हिसाब से जबरदस्ती को कब्जा कर रहे हैं और उसमें यह है कि अगर जो मुआवजा मिलता है सरकारी रेट वो हमको मिलना चाहिए, नहीं तो मेरा जमीन को छोड़ा जाए। किस विभाग के द्वारा किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं और ये कब से ये चल रहा है? कम से कम तो एक महीना से चल रहा है। किस विभाग के द्वारा वो कार्य किया जा रहा है? जल मिशन की क्या लिखा हुआ है उस पर जी। तो आप लोग की क्या मांग है उसमें? मांग हम लोग यही है कि हम लोग की जमीन बच जाए। छोटे परिवार हैं हम लोग, जगह जमीन दूसरा है नहीं, नहीं मैं चाहता हूँ, वो नहीं मिल रहा है। तो फिर आप किन किन अधिकारियों से मिले, उनके द्वारा क्या आपको आश्वासन मिला? उसमें संदर्भ संख्या लिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि सहमति बनाओ सहमति बनाओ, ये तो मिल रहा है। किससे सहमति बनाओ? आपस में किसानों के द्वारा मिल रहा है कि सब लोग अपने में सहमति बना करके अपनी जमीन दे दो। तो क्या कुछ लोग का अभी जमीन दिए हैं का? हाँ, कुछ लोग दे चुके हैं। किसी कहाँ कहाँ आप पत्र दिए हैं? डीएम साहब के 3 बार दिए, 2 बार आजमगढ़ दिए हैं और 1 बार ओम प्रकाश, 1 बार ओम प्रकाश राजभर जी को दिए हैं। तो प्रधान और यहाँ के प्रधान और लखपाल क्या कर रहे हैं इस विषय में? विषय में ये लखपाल और प्रधान जी बोल रहे हैं कि दबाव से जबरदस्ती जमीन को हम लोग बरियाई जबरदस्ती कब्जा कर लेंगे। आज तक अभी तक हम लोग ना रजिस्ट्री किए ना कुछ किए और जबरदस्ती लखपाल साहब ने बोल रहे थे कि जबरदस्ती कब्जा कर लूँगा, यही बात बोले। हम लोग कहे कि बिना रजिस्टर किए हुए जबरदस्ती कैसे कर लेंगे, उसी पर हम लोग सारे जनसिया उठकर अपने अपने घर चले गए। तो फिर क्या हुआ? फिर यही हुआ कि वो बोल रहे थे कि अपने जमीन पर किसी तरह से न किसी तरह से ले लेंगे, तो हमने जीएसपी गई तो किसी तरह से उसको रोक करके भगाए और उसको बता रहे हैं कि किसी तरह करोगे तो तुम्हारी जमीन नहीं बचेगी और दबंगई से चाहे जैसे बार बार जीएसपी बुलाया जा रहा है और खुदाई करने के लिए नेपाल साहब जबरदस्ती कह रहे हैं और जब जब जा रहे हैं वो हटा दे रहे हैं। तो मतलब वहाँ पे